नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे शरीर में मौजूद तीन प्रमुख ग्रंथि, जिन्हें हम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रंथियां हैं, ये कुंडलनी शक्ति के जो संचालन मार्ग है उसको ध्यान में रख करके बताई गई है। जो कुंडली शक्ति का सात चक्र भेदन है, इन्हीं सात चक्रों को ग्रंथियों के रूप में भी बांटा गया है। तो सात चक्र में तो हम अंतिम सातवें चक्र यानी जिसे सहस्रार चक्र बोलते हैं, उसका भेदन तो होता नहीं, केवल खट चक्र का भेदन होता है। और कई लोग सहस्रार को चक्र में गिनती भी नहीं करते, छह चक्र ही मानते हैं कई संप्रदाय में। तो ये जो छह चक्र है, इन्हीं को तीन ग्रंथियों में बांटा गया है। सबसे पहले मूलाधार और स्वधिष्ठान को बात करें तो मूलाधार स्वधिष्ठान को हम ब्रह्म ग्रंथि के रूप में मानते हैं। और फिर आपका मणिपुर और अनाहत, इसको हम रूप अपना विष्णु ग्रंथि मान लेते हैं। विशुद्धि और आज्ञा चक्र को हम लोग रुद्र ग्रंथि मान लेते हैं। तो इन तीन ग्रंथियों को खोलने का भी एक नियम है। कहते हैं जब आपका मूलाधार एक्टिव होता है और स्वधिष्ठान को तोड़ करके आगे बढ़ता, तो कहते हैं कि तब ब्रह्म ग्रंथि भेदन हो जाता है। फिर आगे मणिपुर चक्र को भेद करके, अनाहत को तोड़ करके जैसे आगे की यात्रा आरंभ करती कुंडलनी शक्ति, तो कहते हैं अब विष्णु ग्रंथि का भेदन कर चुकी कुंडलनी शक्ति। और विशुद्धि को पार करते हुए जब आज्ञा चक्र को तोड़ती हुई कुंडलनी शक्ति सहस्रार चक्र की ओर आगे बढ़ती है, तब इसको कहते हैं कि अब इस व्यक्ति का रुद्र ग्रंथि भी भेदन हो चुका है। तो आप कैसे पता करें कि आपकी कौन सी ग्रंथि का भेदन हुआ है या कौन सी ग्रंथि का भेदन नहीं हो पाया है? तो जैसे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मूलाधार और आपका स्वधिष्ठान चक्र, इनके जो कारण है जिससे पता चलता है चक्र भेदन नहीं हुए है, वही लगभग आपका ये ब्रह्म ग्रंथि का भी लक्षण है। जैसे व्यक्ति में काम वासना ज्यादा होना, आलस्य ज्यादा होना, डर भय होना, कामुकता होना, सजना सवरना, दिखावापन, ये सब जो है अगर आपके अंदर है तो आप समझिए कि आपकी ब्रह्म ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ है। फिर विष्णु ग्रंथि की बात करें तो विष्णु ग्रंथि में जो व्यक्ति होता है वो समाज का बात करता है, समाज का ध्यान रखता है, लीडर टाइप काम करता है, वो सबको उपदेश करने लगता है, सबको समझाने लगता है, सबको बताने लगता है ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कपड़े भी ढंग से पहनेगा लेकिन उसको कोई खराब काम अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा टोका टोकी करना, ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना, ज्यादा नियम कानून से चलना, अगर कहीं गलती हो रही तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाना, अगर ये सब आपके अंदर, तो आप समझ जाइए कि आपकी विष्णु ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ। और अंत में रुद्र ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन होने के बाद व्यक्ति शांत चित्त प्रसन्न हो जाता है, उसे न भूख रहती है, न प्यास रहती है, न कोई इच्छा रहती है, न कोई वासना रहती है, निर्लेप हो जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार हमेशा ध्यान के चक्कर में रहेगा, मस्ती के चक्कर में रहेगा, जिनके ये लक्षण दिखते समझ जाना चाहिए उनका रुद्र ग्रंथि भेदन हो चुका है। अब उनकी बात करें तो जो अपना ब्रह्म ग्रंथि है, इस रजस और तामस से थोड़ा मिल, तामस से ज्यादा रजस की थोड़ी सी मात्रा मिलता हुआ अंश है। मतलब यह व्यक्ति तामसिक प्रकृति का है और थोड़ा सा इसमें राजसी भी प्रवृत्ति आती है। विष्णु ग्रंथि यह पूर्ण राजसी प्रवृत्ति है, बस थोड़ा सा इसमें सात्विकता आती तो है लेकिन पूर्णतः राजसी प्रवृत्ति है। और रुद्र ग्रंथि यह सात्विक होती है लेकिन कई बार सात्विक से आगे बढ़कर के या निर्विकार हो जाती है।
अस्तित्वहीन हो जाती है, यानी जो ईश्वर का स्वरूप है उस स्वरूप में मिल जाती है। तो ये जो ग्रंथियां हैं इनको जागृत करना चाहिए, इनको भेदन करना चाहिए। तो जो ब्रह्म ग्रंथि है इसका भेदन मंत्र है किलिंग, और विष्णु ग्रंथि का भेदन मंत्र है सिंह, और रुद्र ग्रंथि का भेदन मंत्र है रिंग। तो इन मंत्रों के जाप से यहां पर स्पंदन होता और ये जो हमारी ग्रंथियां हैं तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है और व्यक्ति की कुंडली सहस्रार चक्र की यात्रा कर लेती है। हमें विश्वास है यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके उसे बताइए।